नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव 24 में। मैं हूं आपके साथ श्रोता त्रिपाठी। नजर डालते हैं आज की खबरों की ओर। चुनावी सफर से गुजर रहे मध्य प्रदेश में नेताओं की मेहनत का आज आखिरी दिन है। मध्य प्रदेश की जनता 28 नवंबर को बटन दबाकर नेताओं के भाग्य का फैसला ईवीएम से करेगी। आज शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार थम जाएगा। इस आखिरी दौर में नेता अपना पूरा दम दिखाने की कोशिश करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी आज मध्य प्रदेश के धार में जनसभा और इंदौर में रोड शो करेंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा 128 पाढ़ना पीसीसी चीफ कमलनाथ के विकास मॉडल की पोल खुलती जा रही है। आपको बता दें कि कमलनाथ के लोकसभा क्षेत्र पाढ़ना में एक टीएलसी टेक्सटाइल कंपनियां 2009 में खोली गई थी, जिसमें लगभग 100 एकड़ जमीन अधिग्रहण कर किसानों को नौकरी देने का वादा किया गया था, लेकिन वो वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। टीएलसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री आज भी कबाड़ खाने के रूप में पड़ी हुई है। वहीं पाढ़ना क्षेत्र में वाहन चेकिंग को लेकर एक सेंटर खोलने के लिए 2 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया, लेकिन वो सेंटर भी पिछले 3 महीनों से बंद हो गया है। रोजगार के नाम पर पाढ़ना वासियों को निराशा ही हाथ लगी है। 2019 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से जनता को लुभाने का प्रयास कर रही है, तो वही पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। आपको बता दें कि मऊ में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अतुल कुमार जान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से बीजेपी की तुलना नरकासुर से कर दी। उन्होंने कहा कि दिवाली से ठीक एक दिन पहले छोटी दीपावली से ही कर्नाटक के 3 लोकसभा के उपचुनाव में वहां की जनता ने नरकासुर वध कर दिया। जनता ने बीजेपी जैसे नरकासुर पार्टी को सबक सिखाना शुरू कर दिया है। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी साफ हो जाएगी, जैसे साल 2004 के लोकसभा चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी की फिल गुड और शाइनिंग इंडिया को नकार दिया गया था, ठीक वैसे ही 2019 में चुनाव बीजेपी को इस बार जनता नकारेगी। कह सकता हूँ मेरे अपने छोटे से अनुभव के साथ कि देश में ठीक वैसी स्थिति चल रही है जैसे आपातकाल के दौर में चल रही थी लोकसभा के चुनाव 1977 के चुनाव के पहले की स्थिति। तब भी इंदिरा गांधी जी के खिलाफ कोई जनभावना नहीं थी, लोग बड़े खामोश थे, कहते थे बहुत अच्छा हो रहा है, सब कुछ सही है, लेकिन 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 ठीक वैसी ही स्थिति आज इस भाजपा के शासनकाल में नरेंद्र मोदी जी के हैं। सब तरफ लोग सुख है, जैसे प्रधानमंत्री अटल जी के ज़माने में कहा जा रहा था फील गुड फैक्टर, शाइनिंग इंडिया, सब वैसे ही है। लेकिन चुनाव में एक के बाद एक चुनाव हार हो रही है, और वो छोटे छोटे चुनाव थे, त्रिपुरा के चुनाव, आरएसएस और तमाम पैरोकार उस मंदिर के सिलसिले में जिन्होंने मुकदमा लड़ा है, अब तक उन सारे मुकदमों को सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में ले लिया है और सबने लिखित करके कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट देगी फैसला हम उसको मानेंगे। 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव में शरद यादव की पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल यूपी में महागठबंधन की धुरी बनने की तैयारी में है। आपको बता दें कि प्रयागराज में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जावेद रजन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दावा किया कि यूपी में विपक्षी दलों के महागठबंधन में उनकी भूमिका होगी और कोशिश होगी कि महागठबंधन ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करे। साथ ही कहा कि शरद यादव देश भर में विपक्ष को एकजुट करने के प्रयास में जुटे हैं और जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उनमें से 3 राज्यों में उन्होंने गठबंधन करवाया है। अयोध्या के वर्तमान हालात पर उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे केंद्र सरकार के साथ 4.5 साल सरकार बनाने के बाद अयोध्या पहुंचे हैं। पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में महागठबंधन चुनाव लड़े और ज्यादा से ज्यादा सीटों पे हमारे प्रत्याशी जीते, गठबंधन की लड़ाई। हमारे संरक्षक माननीय शरद यादव जी ने 2014 के बाद से लगातार विपक्ष को एक करने का प्रयास कर रहे हैं और कहीं कहीं उन्होंने 2015 में जैसे बिहार में विधानसभा में गठबंधन के तहत चुनाव हुआ था और आगे भी वो प्रयास कर रहे हैं। अभी 5 राज्यों के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें भी उन्होंने 3 राज्यों में तो गठबंधन करवा दिया और बाकी लोकसभा चुनाव के लिए वो प्रयास रहे हैं। कोलकाता मुंबई की उड़ान पर जाने वाले जेट एयरवेज को लेकर एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बता दें कि जेट एयरवेज में सफर कर रहे एक यात्री को कोलकाता एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति पर कोई छोटा मोटा आरोप नहीं लगा है, बल्कि पुलिस का कहना है कि वो अपने फोन पर बात करते हुए किसी से कह रहा था कि वो फोन को उड़ा देगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक CISF ने आरोपी को पूछताछ के लिए पुलिस के हवाले कर दिया है।
यूपी के मुरादाबाद जनपद में एक दोस्त ने मामूली बात पर अपने दोस्त की हत्या कर दी और शौ नगर के एक प्राइमरी स्कूल में फेंक दिया। घटना को छुपाने के लिए युवक ने पूरी कोशिश की थी लेकिन कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी। थाना नागफनी क्षेत्र में पुलिस ने शुभम हत्याकांड का खुलासा करते हुए हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले का खुलासा एसपी सिटी ने प्रेस वार्ता के दौरान किया। यूपी गाजियाबाद के हिंडन नदी के पास लावारिस हालात में दो मासूम बच्चे मिले हैं। स्थानीय लोगों ने दोनों बच्चों को पुलिस के हवाले कर दिया है। वहीं बच्चों के विषय में स्थानीय लोगों का कहना है कि कोई उन्हें वहां पर छोड़कर गया है। दोनों मासूम बच्चे के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। फिलहाल पुलिस बच्चों के परिजनों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। जी सर, मैं उधर से आ रहे थे खस्ता कचौड़ी बेच करके, तो मैंने दोनों बच्चों को देखे रस्सी में वो बांध रहा था, अब बांध करके फौरन निकल गया, तो मैंने शोर शराबा मचाई तो लोग भागने आकर के उसको खोले। कैसा व्यक्ति था वो, आपने कुछ देखा? नहीं, शक्ल तो नहीं पहचान पाया, मैं कपड़ा खाली पहचाने बस। जी, कैसे कपड़े पहना था वो? मुझे चॉकलेटी कलर का ऐसे कुछ कोट था उसका बस। तो बच्चे कुछ रो रहे थे या? बच्चे रो भी रहे थे। रो रहे थे, वो कुछ बोल रहे हो बच्चे जैसे? नहीं, कुछ बोल रहे खाली। शामली जनपद के झिझाना पुलिस ने तीन साथी डोडा तस्कर को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से करीब 64 किलो मादक पदार्थ भी बरामद किए हैं, जिनकी कीमत करीब 4 लाख रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि पुलिस को पिछले काफी समय से नशीले पदार्थ बेचे जाने की सूचना मिल रही थी। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए सभी तस्करों को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। गाजियाबाद की कोतवाली पुलिस ने एक बार फिर वाहन चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। खास बात यह है कि ये गैंग से पुराने दोपहिया वाहन ही चुराया करते थे। इसकी वजह से यह है कि पुराने वाहनों के लॉक समय के साथ कमजोर हो जाते हैं, जिससे उन्हें चोरी करना ज्यादा आसान होता है। मामले में तीन आरोपी पकड़े गए हैं, जिनके नाम आमिर, इमरान और जुबेर है। तीनों गाजियाबाद के ही रहने वाले हैं। पुलिस ने बदमाशों से 13 दोपहिया वाहन भी बरामद किए हैं। मेरठ में बदमाशों के आतंक के चलते पुलिस लगातार ऑपरेशन क्लीन चला रही है, जिसके चलते फिर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें से एक बदमाश घायल हो गया। आपको बता दें कि बदमाश का नाम समीर है और हाल ही में हुई एक लूट और अन्य आपराधिक मामलों में उसका नाम दर्ज है। संदिग्धों की सूचना पाकर पुलिस इलाके में चेकिंग कर रही थी, तभी बाइक सवार रोकने में बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की। वहीं पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश भी घायल हो गया। इंस्पेक्टर चेकिंग के दौरान ये लोग मोटरसाइकिल पर एक को लूटने के प्रयास में भागे, जिसमें पुलिस के पीछा किया, फिर इसने पुलिस पर फायर किया। पुलिस ने अपने उसमें बचाव में जो फायर करने के बाद इसके लगी है। इस पर करीब दर्जन भर मुकदमे हैं और मेरठ के नौचंदी, प्रतापपुर, लालकुर्ती, अन्य थानों पे लूट और उससे संबंधित कई दर्जन मुकदमे हैं। गैंगस्टर भी इस पे है और आगे की कार्रवाई इसमें देख रहा है। नोएडा के डीएनडी हाईवे पर आज आम्रपाली में फ्लैट बुक कराने वाले लोगों ने पीसफुल प्रोटेस्ट किया और बीते 10 साल से बिल्डर द्वारा न दिए जाने को लेकर आक्रोश जताया। बायस का कहना है कि एक साल से सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस का कोई निष्कर्ष अब तक नहीं निकल पाया है। वहीं बीते चुनाव में योगी और मोदी ने हमसे वादा किया था कि वो हमारे साथ है, लेकिन फिर सरकार एनबीसीसी को प्रोजेक्ट करने के लिए क्यों फंड की व्यवस्था नहीं कर पा रही है। साथ ही बायस ने आम्रपाली ग्रुप के सीईओ अनिल शर्मा को चोर कहकर जमकर नारेबाजी की। क्या कहती है कि भाई हमने नोटिस भेज दिया, कुछ नहीं हुआ। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रही है, लेकिन ये तय होना चाहिए कि सरकारी संस्थाएं हमारा क्या कर रही है इस समय में, जब ये तय हो गया है कि 2765 करोड़ का फंड डायवर्सन केवल आम्रपाली ने किया है। अगर आप पूरे नोएडा एक्सटेंशन में देखेंगे तो कितना फंड डायवर्सन किया है, ये तय होना चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए। फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं है, उनके अगेंस्ट में भी बैंक्स नोटिस भेज रहे हैं, तो ये भी एक कहीं ना कहीं फाइनेंस मिनिस्ट्री के तरफ से एक अच्छी रुख आनी चाहिए ताकि होम बायर्स को रिलीफ दिया जा सके। लेकिन आज का जो मेन मकसद है हमारे धरना प्रदर्शन का, वो ये है कि एनबीसीसी के थ्रू सरकार आम्रपाली को फंड मुहैया कराए और हमारा प्रोजेक्ट पूरा करके टाइम से दे, चूंकि अभी तक 10 साल हो गए और काम पूरा नहीं हुआ। देखिए, हम लोग योगी जी से भी लखनऊ में मिल चुके हैं और जब योगी जी नोएडा में आए थे अमेठी इंटरनेशनल स्कूल के समारोह में, जब मोदी जी का आगमन हुआ था नोएडा में, उस समय भी हम लोग योगी जी से मिले थे और योगी जी ने आश्वासन दिया था कि हम लोग आपका घर दिलाएंगे। लेकिन योगी जी को आए हुए भी एक साल से ज्यादा हो गए और अभी तक हमारा घर नहीं मिला, तो ये एक अपने आप में हास्यास्पद स्थिति बनी हुई है, चूंकि सरकार के कथनी और करनी में कहीं पे भी धरातल पे रियलिटी हमें समझ में नहीं आ रही है और हम लोग अभी भी दर दर की ठोकर खा रहे हैं।
तो अगर सरकार रियल में संजीदा है होम बायर्स के प्रॉब्लम के लिए तो वो फंड की व्यवस्था कराए। मुजफ्फरनगर के कोतवाली थाना क्षेत्र के छपार में एक चलती कार में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते कार आग का गोला बन गया, जिससे रोड पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई। कार में सवार लोगों ने बामुश्किल से कार से कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ी ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि कार सवार लोग ऋषिकेश से दिल्ली जा रहे थे। गाजियाबाद के हाईटेक इंजीनियर कॉलेज में वाद में जिला प्रशासन ने सामूहिक विवाह योजना का आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी रितु महेश्वरी और सीडीओ रमेश रंजन ने दीप प्रज्वलित करके किया। कार्यक्रम का संचालन खोड़ा के ईओ के भड़ाना मोदी नगर के एसडीएम पवन अग्रवाल और नगर निगम के उपनगर आयुक्त प्रमोद कुमार, नगर निगम विजय जान प्रभारी सरिता सिंह, मोहन नगर प्रभारी और प्रशासन अधिकारियों ने मिलकर किया। सामूहिक विवाह में 65 जोड़े की शादी कराई गई। विवाह समारोह में राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल भी शामिल हुए। मौके पर काफी संख्या में शादी करने आए लाभार्थियों के परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे। सुपरस्टार रजनीकांत और अक्षय कुमार की मेगा बजट और इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्म 2.0 29 नवंबर को बड़े पर्दे पर दस्तक देगी। फिल्म ने रिलीज से पहले ही भारी भरकम कमाई कर ली। आपको बता दें कि करीब 600 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही 370 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। फिल्म में अक्षय कुमार निगेटिव किरदार निभा रहे हैं। ट्रेलर में उनका लुक काफी दमदार है। साथ ही रजनीकांत के फैंस भी इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 2.0 साल 2010 में आई फिल्म रोबोट का सिक्वल है। फिल्म में संगीत एआर रहमान ने दिया है। फिल्म का टीजर और ट्रेलर फैंस को काफी पसंद आया है। इसके अलावा अक्षय कुमार के नए नए पोस्टर फिल्म को लेकर काफी उत्सुकता बढ़ा रहे हैं। इस पर रजनीकांत और अक्षय के अलावा एमी जैक्सन भी नजर आएंगी। रियलिटी शो बिग बॉस 12 में आज से नए हफ्ते की शुरुआत होने जा रही है। इससे पहले वीकेंड का वार एपिसोड में हैरान करने वाला एवेक्शन तब देखने को मिला जब सलमान खान ने ऐलान किया कि सृष्टि को सबसे कम वोट मिले हैं और उनका बिग बॉस 12 में सफर खत्म हो गया है। सृष्टि का इतनी जल्दी घर से बेघर होना उनके फैंस के लिए भी काफी शॉकिंग रहा। बेघर होने के बाद एक इंटरव्यू में सृष्टि ने माना कि मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी जल्दी घर से बाहर हो जाऊंगी। फिलहाल हमारे बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें लाइव 24। नमस्कार।